السلام عليكم गुड मॉर्निंग सबाह الخير कैसे हैं सब आप लोग इंशाल्लाह अच्छे से मज़े में और हैप्पी शैप्पी होंगे। तो मैं आज आई हूँ दुबई आकिया में और यहाँ पर आपको घर की पूरी जो भी चीज़ें ए टू जेड आपको यहाँ मिल जाएगी। ये थोड़ा सी महंगा होता है लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो मैं कभी कभी यहाँ पर मौके पे चौका मेरा लग ही जाता है। तो जो चीज़ें कभी कभी जो महंगी रहती है वो कभी कभी ये लोग सस्ते में डाल देते हैं। तो इसीलिए मैं महीने में एक दो दफ़ा आके ज़रूर आकिया का चक्कर लगाती हूँ ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्काउंट रेट में मुझे मिल जाए। और ये देख रहे हो मेरी फेवरेट कॉफ़ियों में से एक कॉफ़ी कोस्टॉक कॉफ़ी। तो चलिए चलते हैं आकिया की सैर करने के लिए। शायद आप लोग भी देख लो और शायद आप लोग का भी मन हो जाए कुछ लेने का। तो यहाँ से रास्ता है जाने का और यहाँ पर अगर आप शॉपिंग वगैरह करके थक गए तो यहाँ पर आपको खाना भी बहुत अच्छे रेट में मिल जाता है और आइसक्रीम भी ज़रूर खाइएगा जो बहुत ही टेस्टी होती है। और जैसे ही मैं अंदर गई तो मुझे सामने मुझे ये केबल दिख गया जो मुझे एक एक्स्ट्रा लेना था मेरे लिए अपने नए फ़ोन के लिए। तो 19 दरम का तो बहुत अच्छा मुझे मिल गया तो ये एक मैंने उठा ली। यहाँ पर कुछ चीज़ें महंगी भी है और कुछ चीज़ें सस्ती भी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का कौन सी चीज़ें और क्या क्या लेते हो आपके बजट में। तो ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ महंगी ही लो, कुछ कुछ सस्ती चीज़ें भी अपने दिमाग से और उस चीज़ को आप ख़ास बना सकते हो। तो मैं आकिया में आती हूँ कुछ आइडिया लेने के लिए और मैं ख़ुद बाद में अपने ख़ुद आइडिया को यूज़ करके और कुछ चीज़ें सस्ती लेके और मैं अपना घर सजाती हूँ। और ये पूरा हॉल का पूरा सेट है इस तरीके का, आप अपने आइडिया ले सकते हो इस तरीके की। और इसका कारपेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका कलर बहुत अच्छा है रेड। तो इस तरीके के ये लोग सब सजा के रखते हैं ताकि अपने को आसानी हो कुछ चीज़ लेने के लिए, कुछ चीज़ अपने दिमाग में। और ये यहाँ पर पूरे बेडरूम सेट है और जिसका नया नया बेबी हुआ है तो वो पास में किस तरीके से झूला लगा सकते हैं, किस तरीके का आप अपने दिमाग अपना दिमाग से बस अपने आप को खेलना होता है। बस ज़रूरी नहीं है कि आप लाजम महंगी चीज़ें ही लो और महंगी चीज़ें ही से घर सजाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हर चीज़ देखती हूँ, मैं हर चीज़ देखने के बाद में फिर मैं चीज़ें लेती हूँ इस तरीके का। और यहाँ पर ये एक है कि पूरा इनका कैटलॉग भी है, आप यहाँ पर कैटलॉग देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है और कितने की चीज़ें हैं और कितने प्राइस में है। तो यहाँ पर ये कैटलॉग है तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके का। और यहाँ पर पेंसिल भी है और मेजरमेंट भी है। तो जो भी आपको यहाँ पर चीज़ें जो दिख रही है, जो जैसे कि बेडरूम की चादरें हो गई, पर्दा हो गया, सोफ़ा सेट वगैरह इस तरीके का, तो आप मेजरमेंट आप ले सकते हो, आप लिख सकते हो पेपर के ऊपर क्योंकि ताकि हम आगे से चीज़ें हम उठा सकें। तो ये सामने देख रहे हो ना वाइट वाला टेबल, हाँ ये मैंने तकरीबन 4 साल पहले मैंने ये ली थी और इसकी प्राइस अभी तक के वही है, सेम टू सेम वही प्राइस है। इसमें कुछ इन लोगों ने कमती नहीं की हुए, मेरे 4 साल पहले मैंने जो ली थी वही प्राइस अभी भी है। और ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था और मैंने बहुत सोच समझ के मैंने ये टेबल उठाई थी, बहुत मुझे महंगा लगा था लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे बहुत पसंद आ गया था। और माशाल्लाह अभी तक के इसका फैशन है। ये जो लकड़ी का जो आप देख रहे हो ना, तो ये मुझे लेना था क्योंकि बाहर मेरे मनी प्लान माशाल्लाह बहुत बड़ा हो गया लेकिन मैं देखी तो उसकी प्राइस बहुत हाई थी, तो मैं दूसरी शॉप में देखूंगी। मैं तो मैं बोली ना कि मुझे मौके पे चौका मिल ही जाता है,
तो देखिए ये मुझे सॉकेट मिल गया जो मुझे ज़रूरत थी सॉकेट की, और वो भी 35 दरम में, वो भी दो एक साथ तो इम्पॉसिबल है, और वो भी आकिया का माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो भी इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें होती है ना, तो वो मैं देख भाल के लेती हूँ, मैं चाइना का नहीं लेती हूँ, तो इसीलिए आकिया का तो मैंने पता है कि ये अच्छी चीज़ें होती है, तो इसीलिए मैंने वो दो सॉकेट मैंने उठा ली। और यहाँ पर जैसे अभी आप देख रहे हो ये सोफ़ा वगैरह, तो ये सब सारे सोफ़ा वगैरह है, लेकिन यहाँ पर सोफ़ा वगैरह बहुत महंगा मिलता है, तो ये इन चीज़ों के मामले में होम सेंटर अच्छा रहता है, और या तो पैन एमिरेट्स, तो कभी कभी ये लोग सेल में बहुत सस्ते में डाल देते हैं लोग। तो एक दफ़ा मुझे होम सेंटर में मुझे तकरीबन 4 साल पहले मुझे सोफ़ा सेट मिला था, तो ये अपना होम सेंटर में, तो मैंने तो फट से मैंने उठा ली थी, बहुत सस्ता मिल रहा था, और माशाल्लाह देखो अभी 4 साल हो गया है मेरे इस सोफ़े को, और माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तलक के बहुत अच्छा है। शायद आप लोग मेरे ब्लॉग में देखते होंगे। तो बस यहाँ पर जो चीज़ें आपको सस्ती मिलती है वो ले लो बस, और कुछ नहीं। और ये तो अभी तक वही प्राइस है 195 का, ये मुझे लेना है, लेकिन इंशाल्लाह मैं बाद में लूँगी ये, और मुझे मैं अपनी गाड़ी में मुझे लगाना है, जब मैं अपनी गाड़ी को इंशाल्लाह मेरे गाड़ी का कवर वगैरह, सीट कवर वगैरह सब चेंज करना है ना, तो इंशाल्लाह जब चेंज करूँगी तो मैंने अपने दिमाग में रखी हूँ कि जो वाइट वाला जो है वो इंशाल्लाह मैं लूँगी, तो ताकि अपनी गाड़ी के सामने जो डैशबोर्ड होता है ना वहाँ रखने के लिए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अभी तो नहीं लूँगी, अभी तो सिर्फ मैं देख रही हूँ कि और क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी ये लोगों ने सस्ती की हुई है। तो जैसे अभी आप देख रहे हो ये चमचे वाला फ्रेम कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये है महंगा। तो आप नॉर्मली जो चमचे जो मिलते हैं 10-20 दुकान से, वो चमचा वगैरह ले लो और फ्रेम ले लो, और उसमें आप अपने हिसाब से जिस तरीके से अपने दिमाग से उस तरीके से बना के लगा दो, तो ये अपने को सस्ता मिल जाता है। तो मैं इस तरीके के दिमाग से मैं अपना ये यूज़ करती हूँ चीज़ें, और बस और कुछ नहीं, बस पूरा डिपेंड होता है अपने दिमाग से कि आप किस तरीके से क्या क्या लोगे। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, एक नया आइडिया लो चमक का कि आप ऐसे चिपका दो, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी ये स्टील का। और ये रहा सबसे ब्यूटीफुल, सबसे शानदार हम औरतों का सेक्शन। औरतें लोग तो बस बर्तन देख के तो बस पागल हो जाते हैं, तो ये यहाँ पर पूरा स्टील के हर चीज़ आपको यहाँ पर बर्तन मिल जाएंगे एक से एक, कुछ सस्ते भी है कुछ महंगे भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्या चीज़ लोगे। अभी तो ये बहुत अच्छा सेल में मिल रहा है, ये बहुत अच्छे क्वालिटी भी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली हूँ, जैसे कांटे चमचे हो गए, जैसे कप सासर हो गए, जैसे कि खाने की प्लेट हो गई, यानी काफ़ी चीज़ें यहाँ से मैंने ली हूँ, और यकीन जानिए इसकी चीज़ें बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये टोकरी बड़ी प्यारी प्यारी लगी, टोकरी बड़ी खूबसूरत। और ये टोकरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लगा कि ये बहुत हल्की होगी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाई तो माशाल्लाह काफ़ी वज़न थी ये, और ये एक टोकरी मिल रही थी 95 दिरहम की। पता नहीं ये किस लिए यूज़ करते हैं, शायद कपड़े वगैरह रखने के लिए, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत खूबसूरत। और ये सेक्शन है सारे शॉल वगैरह का, क्योंकि अब आ रही है ठंडी, तो इन लोगों ने यहाँ पर भी सारे शॉल आपको हर कलर में, हर वैरायटी में, हर महंगी सस्ती हर कलर में आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और काफ़ी अच्छी प्राइस में ये लोग दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्राइस में। और ये ग्लासेस मुझे मिल गए बड़े अच्छे खूबसूरत, और मेरा फेवरेट कलर है, और इसी सेम मेरे पास वाइट वाले भी मैंने ली हूँ, तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये दो ले ली। और यहाँ से शुरू हो गया बच्चे लोगों का सेक्शन,
और यहाँ पर बच्चों का हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, खिलौने वगैरह तो यहाँ पर बहुत ही डिस्काउंट रेट में दे रहे हैं। और ये रहा मेरा खूबसूरत सा फेवरेट पांडा, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है पांडा। और यहाँ के जो खिलौने की जो क्वालिटी होती है ना, कपड़े की जो क्वालिटी होती है, वो बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट होती है और बहुत ही अच्छी कीमत में आपको ये मिल जाएगी। और यहाँ पर सारे बच्चे लोगों का बैट है, तावेल वगैरह है, कारपेट वगैरह है, बैट के जो शीट है वो सब यहाँ पर आपको एक से एक अच्छे अच्छे डिज़ाइन में, अच्छे अच्छे कलर में, अच्छे अच्छे कार्टून में मिल जाएगी, जिससे बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने आइडिया भी ले सकते हो, यहाँ से ख़रीद भी सकते हो और यहाँ पे अच्छी खासी सेल लगी हुई है यहाँ पर। और ये रहा सबसे फेवरेट मेरा फ्लावर का सेक्शन, मुझे तो बहुत पसंद है। अगर मेरा बस चले ना तो मैं अपने पूरे घर में फ्लावर ही फ्लावर रख दूँ, लेकिन क्या करें, फ्लैट सिस्टम है तो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मैं कहाँ कहाँ पर जगह जगह पर मैं रखी हूँ, छोटे मोटे फ्लावर मनी प्लान रखी हूँ मैंने, तो ये सब आर्टिफिशियल है। लेकिन एक और सेक्शन है जिसमें आपको सारे असली पौधे भी मिलेंगे और अच्छी कीमत में। तो ये है असली पौधे और यहाँ पर गमले वगैरह भी मिलते हैं, यहाँ पर एक से गमले। और मेरे तो दिमाग से निकल गया कि मुझे भी गमले छोटे छोटे लेने थे, तो मैं वो शूटिंग शूट कर रही थी तो मैं दिमाग से ही निकल गया। चलो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ले लूँगी। तो काफ़ी अच्छे सस्ते यहाँ पर गमले मिल रहे थे, लेकिन मैंने ली नहीं मैंने। और अब हम आ गए हैं बाहर के सेट के ऊपर, तो यहाँ पर पूरा माशाल्लाह इतना खूबसूरत सजाया लोगों ने क्रिसमस का, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। और ये लोगों का स्टोर है। अब यहाँ पर जो भी आप वहाँ से जो भी सामान, जैसे बैट हो गया या कुछ भी आप लकड़ी की चीज़ें हो गई, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, तो यहाँ आके आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा स्टोर है यहाँ पर। तो यहाँ से आप जो भी आपकी जो चीज़ें जो आपने पसंद की हुई है, तो यहाँ पर यहाँ से उठा के फिर आप जाते हो काउंटर पे करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़ा स्टोर बनाए हुए लोगों ने, माशाल्लाह बहुत बड़ा। तो अब हम आ गए हैं काउंटर पे। मेरा बस चलता तो मैं बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें थी दिखाने के लिए, लेकिन व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता, तो इसीलिए मैंने कुछ कुछ मैंने जो अच्छे चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को दिखाई। तो आप लोग भी आओ और देखो और आइडिया लो और अपने अच्छे अच्छे चीज़ों से अपने घर को सजाओ। तो चलती हूँ नाजरीन, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अपने नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, मा सलामा, इला लिका।